अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो आज हम लोग कहने जा रहे हैं क्रिकेट 24 का एन अदर गेम प्ले वीडियो। तो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का आज ये 2020 मैच जो हम खेलने जा रहे हैं। और इस तरह दोनों कप्तान आ चुके हैं पाकिस्तान को ऑल हेड। वो देखते हैं पाकिस्तान, और इस तरह पाकिस्तान ने पहले टॉस जीत कर बॉलिंग करने का फैसला किया है। दोनों टीमें आ चुकी हैं इस तरह मैदान में, और इस तरह इंग्लैंड के दोनों ओपनर आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। बाबर आजम आज काफ़ी अच्छे मूड में लग रहे हैं, लगता है सेंचुरी करेंगे बाबर आजम। और शाहीन शाह अफरीदी अटैक करेंगे, और इस तरह पहली बॉल शाहीन शाह अफरीदी करवाएंगे। और ये अंपायर को क्रॉस किया बॉल की, और ये पहली ही बॉल वाइड, कीपर ने अच्छी डाइव लगाकर पीछे से कवर किया बॉल को, और अंपायर का ये शॉट वाइड बॉल। सेकंड बॉल ओवर, और ये एक अच्छी शॉट, और ये चार रन होने का चांस, लेकिन अच्छी फील्डिंग, और ये चार रन रोके पाकिस्तान फील्डर ने, अच्छी और खूबसूरत फील्डिंग। स्टेडियम का व्यू, और ये अनदर बॉल, और ये क्या ये फोर रन होगा? जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छी शॉट शाहीन शाह अफरीदी। बाबर आजम आ चुके हैं दूसरा ओवर करवाने के लिए। पहली बॉल की बाबर आजम ने, और ये शॉट सीधा फील्डर के हाथों में। काफ़ी अच्छी शॉट थी, लेकिन एक ही रन ही मिलेगा बाबर आजम। ये शॉट हो नो रन, कोई रन नहीं मिलेगा इस बॉल पे। और ये काफ़ी अच्छी शॉट, और ये सीधा बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई, और चार रन मिलेंगे। हारिस रऊफ आ चुके हैं, और ये बॉल की, और ये सीधा बाउंड्री लाइन की तरफ बॉल, और ये सिक्स। क्या शानदार शॉट हारिस रऊफ को, जो कि आप आज काफ़ी अच्छे मूड में लग रहे हैं, काफ़ी अच्छी धुलाई कर रहे हैं। जोस बटलर स्ट्राइक पे, हो रही है एच, और ये आउट। अंपायर ने इस तरह नॉट आउट दिया है, ये रिव्यू देखेंगे हम, पता नहीं क्या वजह बनी अंपायर ने आउट नहीं दिया। बाबर आजम ने फिर बॉल की, और ये चार रन बाबर आजम को। जोस बटलर जो के 50 रन कर चुके हैं 35 बॉलों पे। बाबर आजम आए फिर बॉल की, और ये शानदार शॉट थर्ड मैन की जाने, क्या आई ब्यूटीफुल शॉट। कोई समझ नहीं आ रही पाकिस्तान को किस तरह फील्ड करनी चाहिए, लेकिन ये सिक्स पे सिक्स लग रहा है पाकिस्तान को आज बॉलिंग। शाहीन शाह अफरीदी एक बार फिर, और ये काफ़ी अच्छी शॉट है ये भी बाउंड्री लाइन की तरफ, क्या ही शानदार शॉट। अंपायर का इशारा चार रन्स, और एक अच्छी शॉट, क्या ये अच्छी शॉट, सीधा स्टैंड में जाके गिरेगी ये बॉल। फिर शाहीन शाह अफरीदी को कुछ समझ नहीं आ रही किस तरह बॉल करनी चाहिए, और इस तरह एक और से शाहीन शाह अफरीदी को। आज तो यकीन करें पाकिस्तान बॉलर्स की इतनी धुलाई हो रही है, बॉल पे बॉल सिक्स बॉल हो रहे हैं आज तो। कोई समझ नहीं आ रही है कि पाकिस्तान को किस तरह फील्ड लगानी चाहिए। और इस तरह जोस बटलर का शानदार 100 रन, क्या शानदार आज सेंचुरी बनवाई है जोस बटलर ने। और ये इफ्तिखार अहमद आ चुके हैं, जोनी ब्रस्ट होगी काफ़ी अच्छी शॉट, क्या वहाँ पे फील्डर होंगे? जी नहीं,
फील्डर को छूती हुई सीधा गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ चला लगी और ये चार रन जोस बुटलर के तखारे में फिर आए और ये शॉट और ये बाउंड्री लाइन की तरफ जी हाँ और ये फील्डिंग कोई समझ नहीं आ रही कि किस तरफ फील्डिंग है आज काफ़ी गंदी बॉलिंग कर रहे हैं पाकिस्तान के लोग और ये बॉलर की तरफ सीधा थ्रो लेकिन थ्रो किसी और की तरफ फेंक दी सीधा बाउंड्री लाइन की तरफ लेकिन वहाँ पर फील्डर मौजूद और सीधा कीपर के हाथों बॉल और हारस रऊफ आ चुके हैं। हारस रऊफ एक बार फिर महंगे तरीन इस ओवर में मेरे ख्याल से शामिल होंगे और इस तरह जॉनी ब्रेस्टो की सेंचुरी क्या ही शानदार सेंचुरी जॉनी ब्रेस्टो की। दोनों ही प्लेयर आज बहुत ही अच्छा खेले हैं इन्होंने कोई आउट नहीं हुआ 221 रन्स हैं 222 का टारगेट दिया है। दोनों ही प्लेयर इंग्लैंड के ओपनर जोड़ी काफ़ी अच्छी खेल कर गई है आज। पाकिस्तान के ओपनर जोड़ी मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ग्राउंड में आ चुके हैं क्रिस जॉर्डन अटैक के लिए इंग्लैंड की तरफ से और इस तरह क्रिस जॉर्डन दौड़े हैं बॉल के लिए पहली बॉल के लिए की और क्या ये शॉट सिर्फ एक रन मिलेगा इस शॉट पे काफी प्यारा ब्यूटीफुल ग्राउंड। बाबर आजम स्ट्राइक पे पहली बॉल करेंगे बाबर आजम खेलेंगे शॉट अच्छी और ये सीधा बाउंड्री लाइन की तरफ और ये एक ब्यूटीफुल शॉट बाबर आजम की शानदार सिक्स बाबर आजम का। अगली बॉल बाबर आजम की हो डॉट बॉल कोई रन नहीं मिलेगा 222 का टारगेट है अगर इनको चेस करने हैं तो एक काफ़ी अच्छा और शानदार इनको इस मैच में कमबैक करना पड़ेगा जो कि 4-0 के मुकाबले में पावर ये शानदार से एक सीधा स्टैंड में बॉल कोई पता नहीं बॉल किस तरफ जाकर गिरी है सीधा सिक्स लगा है जाकर और ये काफ़ी अच्छा शॉट और ये शानदार कैच क्या ही खूबसूरत कैच ब्यूटीफुल कैच वाह ब्यूटीफुल कैच। फहजमान आ चुके हैं पहली बॉल की और ये पहली बॉल फहजमान के लिए चार रन फहजमान को मिलेंगे पहली बॉल पे। बाबर आजम स्ट्राइक एक लंबा सिक्स बाबर आजम की तरफ से सॉरी ये चार रन है बाबर आजम के और ये कभी क्या ये रन आउट देखना पड़ेगा ये रन आउट होगा या नहीं और ये इस तरह काफ़ी अच्छा और खूबसूरत रन आउट किया है क्रिस जॉर्डन ने अपने ही बॉल पे क्या शानदार रन आउट क्रिस जॉर्डन का काफ़ी बल्लेबाज क्रीज से बाहर हैं और ये आउट होगा और इस तरह फहजमान पवेलियन की तरफ जा रहे हैं। बाबर आजम कोई समझ नहीं सके बॉल किस तरफ गई सैम करन और ये नो बॉल बाबर आजम क्या नो बॉल का फायदा उठा सकेंगे यहाँ पे या नहीं नहीं बिल्कुल नहीं कोई फायदा नहीं बाबर आजम के लिए स्नो बॉल का और इस तरह एक और बॉल ये शानदार सिक्स बाबर आजम का सीधा बाउंड्री लाइन के साथ जाकर गिरी है ये सिक्स और ये खूबसूरत शॉट इसी ओवर में दो सिक्स लगा चुके हैं बाबर आजम जो कि 50 से एक रन की दूरी पे है और ये यहाँ पर बाबर आजम ने शॉट और ये चांस है आउट होने का लेकिन नहीं सिंगल रन तो ज़रूर मिलेगा और इस तरह बाबर आजम अपनी 50 कर चुके हैं शानदार 50 और खूबसूरत ये इन्हें खेले बाबर आजम ने 38 बॉलों पर काफ़ी अच्छी इनिंग्स बाबर आजम की। क्रिस वॉकस आ चुके हैं अपना पहला ओवर करवाने के लिए पहली ही बॉल हो रही है अच्छी शॉट हो रही है शानदार कैच क्रिस वॉकस की पहली बॉल पे पहली विकेट क्या शानदार आउट ये कैच किया है शानदार हो रही है अगली
second goal. This is the skill के लिए पागल. Can't get that outside the ring field. There's a chance if it hits. Oh, great run out. Oh my, that's just flown off the middle. Well, that was a big hit. Incredible power, just incredible. Nothing wrong with the delivery, but still it goes for six. Them onto the front foot. Oh, that's a biggie. Oh, that is huge. All the way for a maximum. And it's gone many rows deep. 13 runs added there. Pakistan are six. And set up for a strong finish. Flex that one simple as you like inside the ring. With a huge appeal. Might be a bit of a suspect review by the batter. I can't see this getting overturned. I'm not hearing anything on this. This could be trouble. Well, this could spell trouble. Original decision के साथ चलना पड़ेगा. अंपायर को हो रही है आउट. आ चुके हैं शाहिशा पीके और ये फाइन टेक बाय द फील्डर डी कवर पॉइंट. इट वाज इन द एयर फॉर सम टाइम बट दे हेल्ड ऑन टू इट वेल स्ट्राइक द कवर पॉइंट फॉर एन इजी कैच. 50 रन्स किए हैं नसीम शाह. आ चुके हैं लास्ट ओवर. लास्ट ओवर तीन बॉल के. Well, enough leverage there to get a good shot. Gone, great catch, safe pair of hands to get the win. That's a great win. Really did feel that the first innings display put enough runs on the board and they've been able to defend.